बदलाव पर विपक्ष की आपत्ति पर महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पूरी संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में है, इसलिए संपत्ति सबके पास जाए, सबका कल्याण जरूरी है और जो नियम बदले हैं उसमें ये कहीं नहीं है कि वो संपत्ति हिंदुओं को दे दी जाएगी, वो संपत्ति मुस्लिम संप्रदाय को ही मिलेगी। कुछ लोगों के हाथ में वक्फ बोर्ड का, उसके लिए उसी समाज के गरीब हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, उसका कल्याण नहीं होना चाहिए, उसके कल्याण आवश्यक है। और यह कहाँ वो सरकार कर रही है, वक्फ बोर्ड में कहा जो नया कानून आ रहा है उसमें नियम जो बदल रहे उसमें कहाँ है कि वो सारी संपत्ति हिंदुओं को दे दिया जाएगा। वह तो मुस्लिम समाज को ही वह संपत्ति रहेगी, लेकिन उसके गरीबों को रहेगी। खबर है वैशाली से, जहां नाग पंचमी पूजा के मौके पर लगे मेले में सिलेंडर विस्फोट के बाद आग लग गई। चार दुकान में लगी आग से अफरा तफरी का माहौल रहा और कुछ देर बाद आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना गुरौल थाना क्षेत्र के बरेबा गांव में लगे विशहर मेले की है। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने पहुंची तब तक मामला शांत हो चुका था। मोतिहारी के सुवाली प्रखंड परिसर के आरटीपीएस कार्यालय का भवन सालों से जर्जर है। तकनीकी गड़बड़ी के कारण पिछले दो दिन से कामकाज ठप है। आरटीपीएस कार्यालय के कार्यपालक सहायक चंद्रदेव शर्मा ने बताया कि अचानक हाई वोल्टेज आया और इन्वर्टर समेत बिजली के तारों में धुआं निकलने लगा। इसके बाद से लाइट चली गई। स्थानीय कारीगर से जांच कराने पर सिस्टम में गड़बड़ी की जानकारी मिली। आरटीपीएस कार्यालय में जाति राशन कार्ड समेत कई काम होते हैं। जिस भवन में आरटीपीएस कार्यालय चलता है उसकी छत की स्थिति भी जर्जर है। जगह जगह से प्लास्टर टूट कर गिर रहे हैं, जिससे काम कर रहे कर्मियों पर भी खतरा रहता है। ये कब से बंद है? कल 11 बजे साढ़े 11 जिससे लाइन समूचा ठप हो गया है। 440 लाइन आया है जी, जो सब तार जड़ गया है, जिसके चलते काम बाधित जी। कौन कौन सा यहाँ काम होता है? जाति आवासी आय क्रीमी लेयर EWS राशन कार्ड जी, फॉर्मेट पर भी बनता है। लाइट कह रहा है लेकिन 2 दिन से खराब है, अब कब बनेगा इसे कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा, फिर लौट के घर जा रहे हैं? लौट के घर जा रहे हैं। फिर कल आइएगा? कल आएंगे। आरा में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने दुबई में मृत इंजीनियर मिहिर गर्ग के परिवार से मुलाकात की। आरके सिंह ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। आपको बताएं कि मिहिर गर्ग पद्म पुरस्कार विजेता दिवंगत भरत मिश्रा के पोते थे और दुबई में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी। उन्होंने मिहिर गर्ग के शव को दुबई से भारत जल्द वापस लाने में मदद के लिए विदेश मंत्री को भी धन्यवाद दिया। इससे बड़ा दर्द और कुछ नहीं हो सकता है। एक बेटा, अब वो बेटा चल दे, वो भी इतना होनहार बेटा, बहुत बहुत ही दर्द की बात है, बहुत ही बड़ा ट्रेजेडी। तो मैं तो यही कामना करता हूँ कि इन लोगों को शक्ति दे ईश्वर। हाँ, बॉडी ओवर आने में दिक्कत होती है, लेकिन हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने जल्दी ही करवा दिया। तो विदेश मंत्रालय को, जयशंकर जी को हमारा धन्यवाद है भाई। पूर्णिया की जीविका दीदी रूमा देवी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली जा रही है। वे लाल किले पर प्रधानमंत्री के विशेष मेहमान के रूप में शामिल होंगी। आकांक्षी प्रखंड श्रीनगर से रूमा देवी को पीएमओ से पत्र आया है, जिसमें उन्हें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली बुलाया गया। इसे लेकर पूर्णिया के झुन्नी कला गाँव के लोगों में खुशी है। जीविका दीदी रूमा देवी से बात की News18 संवाददाता कुमार प्रवीण ने। पूर्णिया का श्रीनगर प्रखंड और बायसी प्रखंड आकांक्षी प्रखंड चुना गया है और इस आकांक्षी प्रखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए रूमा देवी दिल्ली जा रही है और यह स्वतंत्रता दिवस के समारोह में लाल किला पर शामिल होंगी। मेरा प्रखंड आकांक्षी प्रखंड घोषित किया गया है, बहुत गौरव की बात है, जो कि मैं आज उसके तहत जो है कि दिल्ली जा रही हूँ लाल किले पे 15 अगस्त का झंडा फहराने, झंडा तोलन में शामिल होने जा रही हूँ। तो क्या करती हैं आप लोग? हम लोग सर जीविका में सभी दीदी जो आगे एक समूह बनाए हैं, जो कि जीविका से जुड़ी हुई है। समूह में जो है हम लोग 10 रुपया का बचत करते थे, उसके बाद जो है कि हम लोग का बैंक से ऋण मिलने लगा। उस ऋण से हम सभी जीविका दीदी अपना घर में खेती बाड़ी करते हैं, बाल बच्चों को पढ़ाते हैं और जो है समय से ऋण जो है बैंक का चुका देते हैं।
इससे जो है कि हमको बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। ये जुन्नी कला गांव है और इस छोटे से गांव से निकलकर ये रूमा देवी जो कि जीविका समूह चलाती है और आज ये दिल्ली जा रही है, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला पर झंडोत्तोलन करेंगे जहां ये भी शिरकत करेगी और इसको लेकर इस गांव के लोगों में भी काफ़ी खुशी है कि पहली बार इस गांव की एक महिला जिन्होंने काफ़ी संघर्ष करके आगे बढ़ी है और ना सिर्फ खुद आगे बढ़ रही है बल्कि यहां की सैकड़ों महिलाओं को भी जीविका के माध्यम से रोजगार दे रही है और आगे बढ़ा रही है। आज वह दिल्ली जा रही है, प्रधानमंत्री के द्वारा उन्हें बुलाया गया है और वह स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किला पर शिरकत करेगी। कुमार प्रवीण, न्यूज 18, पूर्णिया। और पटना से बड़ी खबर आ रही है, दानापुर के दियारा के हेतनपुर में बांध टूट गया है। बांध टूटने की वजह से कई गांव जलमग्न हो गए हैं, कई गांव के बाहर पानी भर गया है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दानापुर के दियारा में बांध टूटने की खबर और बताया जा रहा है कि हेतनपुर में बांध टूटा है और बाढ़ टूटने की वजह से कई गांवों में पानी भर गया है। आरा में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गंगा उफान पर है और जिस वजह से आसपास के इलाकों में जबरदस्त कटाव हो रहा है। बाढ़ प्रभावित तो लोग ऊंची जगहों पर रहने को मजबूर हैं। 12 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। जिला प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। हालांकि लोगों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से अब तक कोई मदद नहीं मिली है। और खगड़िया में भी नदियां उफान पर हैं। कोसी और बागमती नदी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा और गंडक नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। बाढ़ का पानी निचले इलाके में फैलता जा रहा है। सदर प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं और प्रसिद्ध अघोरी स्थान चारों तरफ से पानी से घिरा है। बढ़ते जलस्तर का हाल बता रहे न्यूज 18 संवाददाता दिग्विजय कुमार। में कोसी और बागमती नदी जहां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, वहीं जो गंगा नदी है और बूढ़ी गंडक नदी उसके जलस्तर में भी लगातार वृद्धि देखी जा रही है। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि जो घोड़ी स्थान घाट है यहां पर जो गंडक नदी है उसका पानी धीरे धीरे निचले इलाके में फैलते जा रहा है, जिसके कारण धीरे धीरे जो है सो लोगों की परेशानी भी बढ़ते जा रही है। ये जो गंडक नदी और जो गंगा नदी है उसके जलस्तर बढ़ने के कारण जो पूरा रहीमपुर का जो पूरा इलाका है, एक दर्जन से अधिक गाँव है, वह बाढ़ से प्रभावित जाता है। धीरे धीरे जिस तरह से पानी लगातार फैलते जा रहा है, लोगों की परेशानी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बूढ़ी गंडक है, पानी तो बढ़ रहा है, वहाँ पानी बढ़ रहा है। अच्छा, एक बित्ता बढ़ा है इतना रात भर में। अच्छा, कौन जगह है ये? ये अघोरी स्थान बाबा रामनाथ के है, देखे छे पिंडा पूरा तो डूब जाए छे पूरा तो। हाँ, वहाँ पानी चढ़ जाए छे। तो जिस तरह से बूढ़ी गंडक नदी और गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है और जिस तरह से जो पानी पूरा इलाके में फैलते जा रहा है, खगड़िया के सदर प्रखंड, मानसी प्रखंड सहित जो और इलाके हैं वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको धीरे धीरे परेशानी बढ़ते ही जा रही है। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18, खगड़िया। बागमती नदी के जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। मुजफ्फरपुर में कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बागमती का पानी कई गांव में घुस चुका है। कटरा प्रखंड के बरी में स्कूल में भी पानी घुस गया है। मौके से पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रियांक सौरभ। बिहार में कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा जो है वह बढ़ने लगा है। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के कटरा के बर्री में हैं और आप देखेंगे कि स्कूल तक जो है वह पानी पहुंच चुका है। हालांकि दो दिन पहले स्कूल के ऊपर भी पानी पहुंच चुका था, लेकिन अब वह घटने लगा है। लेकिन आप देखेंगे अभी भी आधा स्कूल जो है वह डूब चुका है। क्लासरूम है जो प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए है, तो वह पूरा क्लासरूम जो है अभी भी डूबा हुआ है। लेकिन बाकी के जो पूरा फील्ड है इसमें भी पूरा पानी फैला हुआ था और यहाँ पर भी बाढ़ का पानी पहुँच चुका था। लेकिन फिलहाल जो है जलस्तर में कमी हुई है, जिसके बाद पानी उतर गया है। लेकिन यहाँ पर खतरा जो है लगातार बना हुआ है। जिस तरीके से बागमती का जलस्तर बढ़ रहा है, तो ऐसे में यह खतरा बना हुआ है कि इस इलाके में एक बार फिर से बाढ़ का जो है वह संकट देखा जा सकता है। और स्कूल तक पानी पहुँच चुका है और देखेंगे कि यह जो क्लासरूम है वह पूरा डूब चुका था और अभी भी जो है पानी काफी हद तक इसमें है और इसमें बच्चे जो है वो अभी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि यह बंद कर दिया गया है। हालांकि दूसरे क्लासरूम जो ऊंचे स्थल पे है वहां पर बच्चे जो है वह क्लास कर रहे हैं। तो औराई और कटरा इलाके में बागमती के जलस्तर बढ़ते जलस्तर का खतरा जो है वह देखा जा रहा है। कई इलाके में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो चुके हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।